हेलो फ्रेंड्स, आईटी टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको आईटी इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक ड्राइंग शीट के ऊपर नट्स की जो ड्राइंग है वो कैसे बनाई जाती है विद इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखिए छह प्रकार के नट्स बने हुए हैं। नंबर एक पे रहेगा आपका फ्लेंज नट, नंबर दो पे रहेगा कैप नट, नंबर थ्री पे रहेगा डोम नट, और नंबर फोर पे रहेगा कैपेसिटर नट, और नंबर फाइव पे रहेगा रिंग नट, और नंबर सिक्स पे रहेगा विंग नट। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो नट्स जो हैं मोस्टली एग्जाम में आते हैं और लगभग 15 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेंज नट्स। तो देखिए इसको बनाना काफ़ी आसान होता है, और देखिए इसकी जो ड्राइंग है बिल्कुल नीट क्लीन बनी हुई है, सारे डायग्राम विद इन डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जितने भी नट्स होते हैं या फिर बोल्ट्स होते हैं, अगर उनकी ड्राइंग अगर आपको बनानी है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है भी डी और टू डी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे ये डायमेंशन देखिए 2D लिखा हुआ है, ऐसे ही आपको मेजर करना है उसमें। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना है कि भी 20 mm लिख दिया, 30 mm लिख दिया, 40 mm लिख दिया, जो मर्जी डायमेंशन आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए 2D का मतलब क्या रखा हुआ है भी, आपने दो से इस डी को यानी इस डाय को मल्टीप्लाई किया हुआ है। मान लीजिए कि ये आपने 20 mm लिया हुआ है तो ये 2D कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 40 है, यानी 40 mm ली हुई है, ठीक है ना। इसी तरह ये जो हाइट देखिए यहाँ पे दी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए 0.52, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखनी है कि फ्लेंज नट का जो स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है ना, इसकी फ्लेंज आगे वाली, तो ये आपको याद रखना है 0.25। इसको अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 से करें या 5 से करें, जो विड्थ यहाँ आएगी वो ही हमें लेनी है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए दिखाई दिया गया कि ये जो फ्लेंज जो नट्स जो होते हैं ये हमेशा ठोस होते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसके अंदर हाफ सेक्शन इसमें दिखाया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन जो आ रही है ये किस चीज़ की दी हुई है, दोनों साइड में, ठीक है ना, इधर सेक्शन आ गया है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर थ्रेडिंग बनी हुई है। तो ये कंप्लीट्स जो है आपका फ्लेंज नट है, इस तरह आप बना सकते हो, इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो और लगातार प्रैक्टिस करोगे तो प्रिय विद्यार्थियों आसानी से आप सीख जाओगे। उसके बाद में मोस्टली एग्जाम में आता है, इसको हम बोलते हैं कैप नट्स, ठीक है ना। तो देखिए कैसे है, देखिए डी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो डाया कितने का लिया हुआ है, 20 mm का, ठीक है ना। उसके बाद में हाइट देखिए इसकी कितनी ली हुई है, ठीक है ना। तो ये जो हाइट जो ली हुई है इसके अंदर आपको डी ही लिखना है एग्जाम के अंदर भी, तो ये लगभग मैंने जो ली हुई है ये 25 mm के करीब। उसके बाद में देखिए जो जो कैप है, कैप का जो लास्ट का जो सिरा दिया हुआ है 0.5D, ठीक है ना। तो इसको 0.5 मल्टीप्लाई अगर हम इसको 10 से करेंगे या 20 से करेंगे तो जो आपकी लंबाई, जो आपका साइज आएगा वो यहाँ से यहाँ मेजर करके आपको लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जो रेशियो दिया हुआ है, यहाँ भी एक स्टैंडर्ड साइज है, ये जो स्टैंडर्ड साइज है इन्हीं के नंबर हैं, ठीक है ना, ये आपको याद करने 1.5D, ठीक है ना, +3। तो ये साइज किस चीज़ का है, कैप नट का है। उसके बाद में देखिए 0.25, ठीक है ना, 0.5, ये जो हाइट जो ली हुई है यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है उसको इतने से मल्टीप्लाई आपको करना है। तो देखिए इस तरह आसानी से आप बना सकते हो। उसके बाद में है डोम नट, ठीक है ना, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तो डी देखिए यहाँ पे कितना लिया हुआ है, 20 लिया हुआ है, ठीक है ना, 20 mm लिया हुआ है, और ये दूरी यहाँ तक यहाँ कितनी है, 40 है। उसके बाद हाइट भी कितनी ली हुई है, 20 ली हुई है। उसके बाद 0.5D, ठीक है ना, ये 10 से मल्टीप्लाई करके जो साइज आएगा वो इसके अनुसार रेडियस बन जाएगा। तो ये आपका क्या रहेगा, डोम नट। उसके बाद में कैपेसिटर नट, ठीक है ना, कैपेसिटर नट की दोनों दोनों जो हैं वो बताया गया है अभी, फ्रंट से देखने से हमें कैसे दिखेगा और जो साइड से देखने से कैसे बनेगा। अगर हमने जो कैपेसिटर नट है, अगर इसका अगर हम जो फ्रंट जो व्यू देखेंगे तो ऐसा हमें दिखाई देगा, साइड व्यू ऐसा दिखाई देगा। ये क्या होता है, एक बिल्कुल गोल होता है, गोलाकार होता है और बिल्कुल प्लेन होता है, और इसके 6 होल किए हुए हैं ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह आप डायमेंशन बना सकते हो, लेकिन ठीक है ना, 1.8 है जो कि इसकी लंबाई हम आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद डी जो अपनी जो मर्जी के अनुसार ले सकते हो, ठीक है, जो साइज आपका रहेगा 15 mm या 20 mm, यहाँ पे 20 mm लिया हुआ है। उसके बाद में देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दूरी जो दी है 0.5D, ठीक है ना, इससे मल्टीप्लाई करके आपको ये दूरी याद करनी है। उसके बाद में देखिए ड्राइंग कैसे बनी हो, इस तरह आप बना सकते हो। उसके बाद चलते हैं रिंग नट,
ठीक है ना। रिंग नट में क्या होता है कि देखिए, इसका इसका अगर हम साइड व्यू देखेंगे तो इस तरह दिखेगा, अगर इसका फ्रंट व्यू बंद होने के बाद अगर हम उसको सामने से देखते हैं तो ऐसा हमें दिखाई देगा। इसके ऊपर क्या होता है, बिल्कुल खांचे कटे होते हैं, ठीक है ना, जैसे सी स्पैनर लगाकर इसको आसानी से खोला जाता है। तो इसकी डायमेंशन भी आप देख सकते हो 1.8D, ये यहाँ से यहाँ तक की का जो स्टैंडर्ड साइज है, आउट जो डायामीटर होता है उसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है 1.8D, ठीक है। उसके बाद अंदर वाला है वो आपको याद रखना है 5D, ठीक है ना। उसके बाद में ये देखिए यहाँ से, और ये कॉलर बना हुआ है थोड़ा सा, देखिए आप 0.1D, तो ये आपको मोस्टली याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए चलते हैं विंग नट, ये एग्जाम में आता है प्रिय विद्यार्थियों, मोस्टली एग्जाम में आता है ये, ठीक है ना। तो सेकंड ईयर विद्यार्थियों के लिए ड्राइंग रहेगी, तो इसमें से ज़्यादा जो आने वाला क्वेश्चन है वो आपका है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा विंग नट। तो इसके ट्राई करिए एक बार, दो तीन बार मेहनत करोगे तो आसानी से सीख जाओगे। इसमें क्या हुआ है, देखिए 2D लिया हुआ है सबसे पहले, है ना, यहाँ पे। तो ये जो दूरी जो ली हुई है, लगभग आपको क्या काम करना है कि जो साइज स्टैंडर्ड साइज जो 10 लिया हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ से यहाँ 10 ले लिया, उसके बाद में ये आपको 20 लेना है, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए ये जो दूरी है ये 1.2 लिखा, मल्टीप्लाई 10 से करना है तो ये 12 mm दूरी आ जाएगी। उसके बाद में देखिए 1.5D है, इसको 10 से करेंगे तो ये दूरी आ जाएगी 15। तो ऐसे एक रेशियो बना के आपको चलना है ताकि ये नीट क्लीन और अच्छा बने। उसके बाद में ये दूरी देखिए यहाँ पे 0.6D लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10 से कर लेते हैं, तो वो जो आएगा सर्कल वो ऐसे यहाँ पे निकल लगा देंगे आसानी से, ठीक है ना। ये दो जो जो रहेगा, क्योंकि ये जो सर्कल बनने के बाद में ये जो लेंथ है वो डी आपके अनुसार ले सकते हो, ठीक है ना। ये 20 भी ले सकते हो और 15 भी ले सकते हो और 25 भी ले सकते हो, तो ये बन सकता है आपका। उसके बाद में अगर इसको बंद करने के बाद अगर हम देखें, इसका सामने से फ्रंट व्यू देखेंगे तो ऐसा नज़र आएगा हमें, क्योंकि ऐसे ऐसे खोलते हैं ना इसको, हम एक्सा के आगे लगा हुआ होता है या फिर हैंड वाइज है उसके आगे भी ये आपको देखने को मिलता है। तो ये कम्प्लीट्स प्रिय विद्यार्थियों, मैंने 6 आपको नट्स के बारे में बताया है, और इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो और अपने प्रैक्टिकल बुक के ऊपर अभ्यास करिए भी, ये कैसे कैसे बनाया हुआ है। मेन क्या, जो डायमेंशन जैसे DD लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये डायमेंशन आपको याद कर लेनी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।